सर मैं शुरू करूं? यस सर प्लीज। पंढरपुर के हमारे विठोबा राय, छत्रपति शिवाजी महाराज और हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम सर, इनको प्रणाम करके मैं आगे हमारे हमारे एमसीएल के डायरेक्टर्स श्रीमती मीरा मैडम माजी, डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब, मिसेस मिस प्राची मैडम, डॉक्टर लवेश सर और हमारे मंगेश सर, इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे एमसीएल के पिलर जिनके वजह से हम एमसीएल में आए, वो कार्तिक रावल सर प्राइम बीडी एमसीएल और रमेश पाटिल सर सीनियर बीडी एमसीएल और टीआर मस्के सर सीनियर बीडी एमसीएल, इन्होंने मेरे को एमसीएल में लाने का प्रयास किया और मैं आज जो एमसीएल में हूँ इनकी वजह से हूँ। नेक्स्ट। पहले हम देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ इंडियन फार्मर्स। भारत देश के अलग अलग राज्य की जमीन, पानी और हवामान, टोपोग्राफी, क्रॉपिंग पैटर्न अलग अलग है, फिर भी देश के कौन से भी राज्य का 90% किसान उसके खेती का खर्च और उत्पादन में संतुष्ट नहीं है। उसके कई कारण है, जैसे कि नैसर्गिक आपत्ति से उत्पादन में घट, कभी बारिश बहुत पड़ती है, कभी कम पड़ती है, तो कभी साइक्लोन आता है और फसल डिस्टर्ब हो जाती है। ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग की सुविधा के अभाव से फसलों को अच्छे दाम नहीं मिलते। रासायनिक खाद का ज्यादा मात्रा में उपयोग करने से जमीन का सेंद्रीय कर बहुत कम होता है और उससे उत्पादन में घट होती है। बहुत से खेती उत्पादनों को हमी भाव नहीं मिल पाता है। बीज, खाद और पेस्टिसाइड्स की क्वालिटी में मिलावट होने के कारण किसान का उत्पादन कम आता है। किसान को फसल के बारे में एडवांस टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से समर में विंटर, विंटर में रेनी सीजन, ऐसा होने के कारण क्रॉपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है और फसल का बड़ा नुकसान होता है। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से बारिश का प्रमाण कम होता है, जैसे कि एक दो साल पहले लॉकडाउन की वजह से डीजल और पेट्रोल का उपयोग कम हुआ और उसके वजह से प्रदूषण कम होने के कारण अच्छी बारिश हुई। खेती में कौन सी भी फसल उगाएं तो उसमें हम खास फायदा होगा ये कोई भी नहीं बता सकता। हम सोचते हैं सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलें जैसे कि ग्रेप्स, पोमग्रेनेट, शुगर केन है, मगर हम ये भी जानते हैं इन सब फसलों में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। सलग 5 वर्ष का हिसाब किया तो प्रति एकड़ प्रति वर्ष 1,00,000 रुपयों का मुनाफा भी नहीं मिलता है। ग्रेप्स के बारे में देखा जाए तो जब से ग्रेप्स की कटिंग होती है तभी से उसी दिन से उसका रिस्क चालू होता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कब मौसम बदल जाए और कब नई आपत्ति आ जाए ये नहीं समझते। अनार के बारे में बात करें तो उसको ऑयली स्पॉट्स मतलब तेलिया रोग की बड़ी मात्रा में लागन होती है और आज तक तेलिया के लिए कोई कंट्रोल मेजर नहीं मिल पाया। और अभी नई मतलब स्टीम बोरर नाम की कीड़ आई है, उसके परिणाम से पूरा प्लॉट नष्ट हो रहा है। गन्ने की बात करें तो 12-16 महीने तक उसका मेंटेनेंस करके 40 टन प्रति एकड़ प्रति उत्पादन आता है और उसका 1,00,000 होता है और उस 1,00,000 उत्पादन में 50,000 तो उत्पादन खर्चा होता है और इसमें मुनाफा मिलता है तो सिर्फ 50,000 और ये 50,000 भी 2-3 टुकड़ों में बांटकर मिलता है। ये उत्पादन लेने के लिए जो खर्चा आता है वो क्रॉप लोन से लिया जाता है और उसका हफ्ता भी नहीं चुकाया जाता है। अगले बरस का फैमिली मेंटेनेंस और फसल का मेंटेनेंस करने के लिए फिर एक नया कर्जा लिया जाता है।
ऐसा करते करते इतना कर्जा बढ़ता है कि उसकी जमीन को बेचकर भी वो कर्जा नहीं चुका पाता है और फिर आत्महत्या के अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं बचता। दुनिया में सबसे निराधार, अनिश्चित निसर्ग और मार्केट पर आधारित कोई व्यवसाय है तो वो खेती है। हम भारतवासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। पिछले जन्म में हमने जरूर कोई पाप किया होगा, इसलिए हमारा जन्म किसान के घर में हुआ है, ऐसा बोलने की नौबत आज किसान के बेटे और बेटियों पर आई है। पिछले महीने ही पंढरपुर तालुका में एक युवा ने विष प्राशन करके आत्महत्या की थी। उस समय उसने एक वीडियो निकाला था और उसमें वो कहता है कि हे भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ अगले जन्म में मुझे किसान के घर में पैदा मत करना। किसान के परिवार वालों को जीवन जीने के लिए साधारण सुविधा भी नहीं मिलती है। उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा, आरोग्य सेवा नहीं मिलती है क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। है तो सिर्फ उसके पिताजी और दादाजी ने उनके जमीन पर निकाला हुआ कर्जा है। किसान के बेटे की 35-40 की उम्र तक शादी भी नहीं हो पाती क्योंकि उसकी पढ़ाई कम होती है और उसके कारण उसको नौकरी नहीं मिलती है। वो खेती करता है इसलिए कोई लड़की उसे पसंद नहीं करती है क्योंकि लड़की वालों को तो पता है खेती घाटे का धंधा है। हम कहते हैं शेतकरी सुखी तर जग सुखी, मगर ये बिल्कुल भी सच नहीं है। देश के किसान जब आत्महत्या का विचार करते हैं तो वो सुखी कैसे हो सकते हैं और वो देश कृषि प्रधान कैसे हो सकता है। भारत देश एक ऐसा देश है जिसके पास उपजाऊ जमीन ज्यादा है, पानी है और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सूर्य प्रकाश की है। भारत में साल में जितने दिन सूर्य प्रकाश मिलता है उतना किसी भी देश में नहीं मिलता है। सनलाइट का उपयोग प्लांट की ग्रोथ के लिए जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है उसके लिए बहुत मायने रखता है। आज की तारीख में भारत देश में होने वाली किसानों की आत्महत्या भगवान भी नहीं रोक सकता है, लेकिन कल की तारीख में वो काम MCL करके दिखाएगी। दोस्तों, भारत के दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम सर इनसे प्रेरणा लेते हुए डॉक्टर श्याम गोलब सर और उनकी पूरी टीम ने 20 साल कड़ी मेहनत करके भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का जो सपना अर्ली मॉर्निंग देखा है, ऐसा बोलते हैं कि पहाटे पड़लेला स्वप्न खरं ठरतं। तो ये सपना कैसे पूरा करें? MCL कंपनी के रचनाकार डॉक्टर श्याम गोलब सर इनके मार्गदर्शन में सुपर नेपियर ग्रास लगा के बायो CNG गैस तैयार करके पेट्रोल और डीजल का उपयोग पर रोक लगाएंगे। इसमें तैयार होने वाले ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से ऑर्गेनिक फार्मिंग करके ऑर्गेनिक सब्जियां, फल, कड़धान्य, तृणधान्य तैयार करके कैंसर मुक्त भारत बनाएंगे। सुपर नेपियर ग्रास से और सेंद्रिय उत्पादनों से किसान का आर्थिक स्तर ऊंचा करेंगे। I must say, we go east or west, cultivation of Napier grass is the best to bring the prosperity of India, Indian farmers. अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें नेपियर ग्रास के बारे में जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं कोंडू बेरी, एग्रीकल्चर ऑफिसर रिटायर्ड। अभी हम नेपियर ग्रास के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। दोस्तों, ये नेपियर ग्रास का बोटेनिकल नेम है पेनिनसेटम पुर्पेरियम। ये एक बहुवर्षायु प्रजाति है ग्रास की। इसका निर्माण थाईलैंड में हुआ और थाईलैंड के हमारे शास्त्रज्ञ डॉक्टर क्रेल्स कियोथोंग इन्होंने ऑर्डिनरी नेपियर ग्रास इसका मोती बाजरा इसके साथ क्रॉस करके यानी संकर करके ये नेपियर ग्रास की प्रजाति बनाई है। इसका ऑफिशियल नेम है पैक चोंग 1 और ये एक बार लगाएंगे तो इसका क्रॉप हम
6 वर्ष के लिए ले सकते हैं। इसके लिए इसको पेरिनियल क्रॉप बोलते हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स है, इस कैरेक्टर्स में इसको पहले 6 महीने 3 महीने के बाद इसको ईयर हेड्स आता है। ईयर हेड्स यानी मराठी में बोले तो कणिस बोलते हैं उसको। इसकी लंबाई 5 से 6 इंच होती है और इसका जो हाइट है वो 3 महीने में मैक्सिमम 15 फुट तक आ सकता है। और इसकी जो टिलर संख्या होती है, टिलर यानी फुटवे, वो फुटवे 25 से 30 तक आ सकते हैं। और इसको पत्ते की संख्या यानी मराठी में हम पान बोलते हैं, इसके पानों की संख्या मैक्सिमम 30 होती है। और इसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो 16-18% होता है। और इसका जो आँख है, इसके आँख के पास जो इंटरनोड होता है वो इंटरनोड से जल्दी रूट्स डेवलप होते हैं। और इसके वास्ते ये बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। अभी इसके कुछ एडवांटेजेस है, वो एडवांटेजेस हम देखेंगे। इसमें जो पत्ते होते हैं, नेपियर ग्रास के जो पत्ते होते हैं, वो पत्ते बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसमें जो हेयर्स होते हैं, पत्ते पे जो हेयर्स होते हैं, ये बहुत कम होते हैं इसमें, इस वैरायटी में। क्योंकि अगर ये हेयर्स हो तो जानवर को खाने के लिए उसके टंग को जख्म करता है, मगर इसको हेयर्स कम होने के बाद ये जानवरों को खाने के लिए ग्रीन पाउडर में यूज करने के लिए बहुत अच्छा होता है। बाद में इसकी जो साइज है, स्टेम की साइज, वो स्टेम की साइज बहुत स्ट्रांग होती है, जिसके वास्ते हमको वेट मिलता है। ये वेट से ही हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। उसके बाद इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी मेंटेनेंस का जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, वो कॉस्ट बहुत कम आती है। और इसके बाद ये जो हमारा सुपर नेपियर का जो डंडा है, स्टेम है, स्टेम में वेट होने के बाद वास्ते इसको नेपियर ग्रास अपने सीएनजी गैस के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और ये बाकी के जो प्रजाति होती है उसके लिए दोनों भी है। ये ग्रीन पाउडर में भी चलता है और हमारे सीएनजी गैस में उत्पादन करने के लिए भी चलता है। नेक्स्ट, आगे चल के इसके यूजेस ऑफ सुपर नेपियर। इसको हम ग्रीन पाउडर बना के जानवरों को भी खिला सकते हैं। सुपर नेपियर को हम एमसीएल के सीएनजी गैस प्रकल्प में भी भेज सकते हैं, वहां से वो सीएनजी गैस भी बन सकता है। और उसके वेस्ट मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल भी बन सकता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी बन सकता है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कल्टीवेशन ऑफ सुपर नेपियर ग्रास। इसमें हम बोलते हैं कि सुपर नेपियर जो ग्रास है वो कौन से भी सॉइल में आ सकता है, ये बात सच है। मगर अब हम देखेंगे लाइट सॉइल। ये लाइट सॉइल जो होती है, इसकी मिट्टी की गहराई राउंड अबाउट 15 सेंटीमीटर होती है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होती है। और इसको इसमें अगर हमने सुपर नेपियर लगाया तो इसमें उसका प्रोडक्शन भी थोड़ा कम आता है। आगे चल के दूसरा टाइप है मीडियम सॉइल। इस मीडियम सॉइल में मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर तक इसकी मिट्टी की गहराई होती है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी मीडियम होती है। और इसमें अगर हमने सुपर नेपियर लगाया तो इसका उत्पादन भी मीडियम आ सकता है। अब रही बात हेवी सॉइल की। हेवी सॉइल की जो मिट्टी की डेप्थ होती है वो 30 सेंटीमीटर से लेके कई मीटर तक हो सकती है। इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो अगर हमने सुपर नेपियर का ग्रास प्लांटेशन किया तो इसके इसमें बहुत अपने को उत्पादन आ सकता है। मगर दोस्तों, ये लाइट
केवी मीडियम ये जो सॉइल के प्रकार है इसमें नेपियर लगाने के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो इम्पोर्टेंट बात इन सभी जमीनों की या सभी सॉइल की जो ड्रेनेज कंडीशन मांगते हैं आप यानी मराठी में उसको निचरा बोलते हैं निचरा अच्छा हो तो ये अपना ग्रास उधर डेवलप हो सकता है क्योंकि ये जो क्रॉप है ये पेरिनियल क्रॉप है पेरिनियल यानी बहुवर्षायु एक बरस लगाए तो इसमें 6 बरस उसको फसल देता है इसके वास्ते इसका जो सॉइल का जो हेल्थ होता है यानी नेचुरल कंडीशन होती है वो अच्छी होनी चाहिए और हम ऐसा भी कहते हैं कि वो सुपर नेपियर ग्रास क्या किधर भी आता है कौन से भी सॉइल में आता है वो आता है ये बात सच है मगर उसका जो उत्पादन है वो उत्पादन आपको हेवी सॉइल में ही आ जाएगा और इसके लिए हम मैक्सिमम अपने को जितना उत्पादन चाहिए अपने पास जिस प्रकार की जमीन है अगर अपने पास मीडियम सॉइल है तो हेवी सॉइल कहाँ से लाएंगे अगर लाइट सॉइल है तो हम भी कर सकते हैं मगर उसका जो उत्पादन का जो फिगर है वो फिगर सॉइल के प्रकार पे डिपेंड रहता है और आगे चल के हम इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल प्लांटेशन करने जा रहे हैं ये अपने जो पिक्चर में देख रहे हैं ये हमारा प्लॉट है ये प्लॉट में अभी ये मैं मराठी में बोलता हूँ अभी थोड़ा ये जो पूर्व पश्चिम और दक्षिण उत्तर दो तरफ से इसको नांगर से ट्रैक्टर से प्लॉइंग करना पड़ता है यानी उसको नांगरट बोलते हैं एक नांगरट दो बार करके उसको 10 या 15 टन्स अपना जो FIM फार्म यार्ड मैन्यूर जो है यानी काउडंग उसमें डालना पड़ता है उसके बाद पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दो बार हैरोइंग यानी कोलपनी बोलते हैं उसको वो कोलपनी करके वो प्लॉट ऐसा प्लेन करना पड़ता है उसके बाद 4 फीट के अंतर से रिजेस एंड फरोज यानी उसको सरी बोलते हैं 4 फुट के अंतर पे इस प्लॉट को सरी करते हैं और सरी करने के बाद ये ऐसा प्लॉट अभी पिक्चर में देख रहे ऐसा प्लॉट तैयार होगा। नेक्स्ट अब हम सॉइल फॉर प्लांटिंग मार्किंग फॉर सॉइल प्लांटिंग ये अपने पिक्चर देख रहे हैं ये अभी 4 फुट के अंतर का पहले ही हमने मार्क कर दिया है अभी हमको ये जो दो प्लांट का जो अंतर है दो प्लांट का अंतर 1 फीट बाय 1 फीट यानी दो प्लांट का अंतर 1 फीट अपने को करने का है इसके लिए ये जो मार्किंग है 1 फीट पे करना पड़ता है यानी अभी ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये प्लॉट प्लांटिंग के लिए 4 बाय 1 फीट के हिसाब से अभी ये तैयार हो गया है इसको अभी प्लांटिंग सीजन इसमें हम बोलते हैं बरस में हम साल में कभी भी ये नेपियर ग्रास लगा सकते हैं मगर दोस्तों ऐसा नहीं है खरीफ सीजन में जून जुलाई अगस्त इस 3 महीने में हमको प्लांटिंग करना चाहिए और दूसरा जो सीजन है समर सीजन में फेब्रुवरी और मार्च ये 2 महीने में इसका प्लांटिंग करना पड़ता है इसके लिए ये क्यों करना है ऐसा ये सीजन में अगर हमने प्लांटिंग किया तो जर्मिनेशन यानी मराठी में उसको उगोन शक्ति बोलते हैं जर्मिनेशन परसेंट इसमें अच्छा होता है और आपका जो गैप होता है वो गैप इस सीजन में कम होता है। नेक्स्ट अभी एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हर्बिसाइड दोस्तों अभी ये जो सरी बोलते हैं हम ये सरी में जो आदमी कुछ को स्प्रेड कर रहा है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसका नाम है सागरिका ये इंडियन फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी जो है अपनी इफको इसका इफको कंपनी का ये प्रोडक्शन है वो ऑर्गेनिक खत है वो ऑर्गेनिक खत एक एकड़ में 20 किलो स्प्रेड करना पड़ता है उसके बाद इस जो सरी है सरी में कुछ वीड के सीड वीड यानी तर्ण उसको तर्ण बोलते हैं वीड के सीड जो होते हैं उसको अगर हम डिस्ट्रॉय करें
तो वो आगे जाके ना रुझे और अपने प्लॉट को ठंड ना लगे, इसके वास्ते उसको हम पेंडी थ्रिशियम से 350 मिली पर 200 लीटर और मेट्री ब्यूंजियन 400 मिली पर 200 लीटर्स इसका मिक्स करके वो आदमी स्प्रे कर रहा है। नेक्स्ट अब प्लांटिंग मेथड। प्लांटिंग मेथड जो कोई कुछ भी कहे मगर ये प्लांटिंग मेथड जो है ये पहले पिक्चर में आपने क्या किया, वो सरी जो होती है अपनी फरोज, वो फरोज में पानी डालना पड़ता है। पानी डालने से वो उसका चिखल यानी मड तैयार होता है। उस मड में एक अपना जो कटिंग है, नेपियर का जो कटिंग है, हल्के हाथों से जमीन के नीचे 1 सेंटीमीटर, जमीन के नीचे 1 सेंटीमीटर हाथों से दबाया है, दबाता है, दबाना चाहिए। और इसका प्लांटेशन 1 फुट के अंतर छोड़ के करना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आता है सीडलिंग्स पर एकर। दोस्तों ये 4 फुट बाय 1 फुट हिसाब से इसका स्क्वायर फुट आ गया, 4 बाय 1 यानी 4 फुट आ गया। और अपने एकर का 43,460 फुट ये एरिया होता है, इसको डिवाइड कर दिया तो राउंड अबाउट 11,000 कटिंग्स पर एकर लगाना चाहिए, तो अपने को प्लांट पॉपुलेशन अच्छी मिलती है। और उससे अपना जितना प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा उतना अपना उत्पादन ज्यादा, ये सीधा समीकरण है। नेक्स्ट अब दोस्तों गैप फिलिंग यानी जो कटिंग होगा नहीं है, जो डैमेज हो गया है उसको निकाल के उसके जगह फ्रेश कटिंग लगाने का, इसको बोलते हैं गैप फिलिंग। यानी जहां ये रुझा नहीं, जहां ये डेवलप नहीं हुआ, वहां से निकाल के नया कटिंग उधर लगाने का। और इसका जो बेनिफिट है वो बेनिफिट बहुत बड़ा है। जितने गैप अपने प्लॉट में है उतना अपना लॉस बढ़ जाएगा। अगर आपको लॉस कम करना है तो ये गैप फिलिंग करना बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक बार लगाया हुआ ये कटिंग या जो अपना प्लांट डेवलप होता है उसकी उसके लाइफ में 24 times उसकी कटिंग होती है। और एक बार लगाया तो आपका 24 times का प्रॉफिट आज से ही चालू हो गया। इसके लिए गैप फिलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस प्रैक्टिस। नेक्स्ट वाटरिंग। दोस्तों हम कहते हैं कि वो ग्रास है उसको ज्यादा पानी नहीं लगता है और कम पानी में भी वो आ सकता है, ये बात सच है। मगर अगर आपको ज्यादा उत्पादन चाहिए तो आपको पानी ही पानी चाहिए, क्योंकि इस ग्रास के लिए साल में हम 4 बार कटिंग करना चाहते हैं। 4 बार कटिंग यानी 3 महीने तक ये डेवलप होना चाहिए। और इसके फास्ट डेवलपमेंट के लिए पानी की जरूरत है। नेक्स्ट वीडिसाइड। अभी हमने जो ये प्लांटिंग किया होता है उसके आजू बाजू में तण यानी वीड्स डेवलप होते हैं, और वीड्स डेवलप करने के लिए मारने के लिए हम वीडिंग भी कर सकते हैं बाय लेबर। मगर लेबर से हमने वीडिंग किया तो अपना खर्चा बढ़ जाता है, इसके वास्ते इसको अगर हमने केमिकल पेस्टिसाइड वीडिसाइड बेच दिया तो हम उसका 9-8 कर सकते हैं। उसके लिए 2,4-D पाउडर 3 ग्राम पर लीटर और 2,4-D लिक्विड 3 मिली पर लीटर उसमें दूसरा एक मिलाने का है सेंकोर बोल के है, सेंकोर 3 मिली पर लीटर करके ये स्प्रे करके हम उस वीड को हम मार सकते हैं। सुपर नेपियर के ग्रास से ऐसा कोई सीरियस पेस्ट मगर टॉप शूट बोरर बोल के एक कीड़ा आ सकती है, इसके लिए हम
bacillus thuringiensis 100 gram plus sticker 50 मिली 200 लीटर में डाल के वो भी हम स्प्रे करते हैं और वो कंट्रोल में आ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब रही बात यील्ड की। अब यील्ड का जो विषय है, इसमें अपने जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, जहां जहां इस ग्रास पर काम हो, उनका सभी लोगों का ये कहना है कि इसका मैक्सिमम 300 टन्स पर एकड़ पर ईयर उत्पादन आ सकता है। ये भी सच है, मगर हम इसको 100 टन तक कुछ हमारी टेक्निक्स कुछ प्रैक्टिस करके 700 टन तक हम उसको ले सकते हैं, क्योंकि ये अभी जो बंच देख रहे हैं, अभी जो बेट हम देख रहे हैं, वो कहीं बांबू का बेट नहीं है, ये हमारे नर्सरी का एक एक कटिंग से, एक आंक से जो तैयार हुआ बेट है, वो बेट है। इसको जो हम अगर काउंट करते हैं तो इसके 30 टिलर्स है, यानी 30 फुटवे है, और उसकी जो साइज है वो साइज बहुत बढ़िया है, और इसका एक ताट का यानी एक फुटवे का वजन 1.5 किलो है, और 1.5 किलो में हम अगर काउंट कर सकते हैं तो बहुत बड़ा उत्पादन आ सकता है। मगर हम अभी नर्सरी का नॉर्मल रूप से अगर कैलकुलेशन कर जाते हैं तो इसमें हम एकड़ में 1100 कटिंग्स लगाते हैं, 1100 में से गैप फिलिंग करके भी 1000 कटिंग रह गए, 1000 कटिंग के 1000 बंच तैयार हो गए। उसमें प्रत्येक कटिंग प्रत्येक बंच में 20 फुटवे पकड़, हमें अभी पिक्चर में जो देख रहे हैं इसका 30 है, मगर हम ऑन एन एवरेज 20 फुटवे पकड़ते हैं। उसका इधर का 1.5 किलो का वजन है, हम सरासरी 1 किलो पकड़ते हैं, तो 1 किलो इंटू 20 कटिंग्स, इसको बोलते हैं 20 केजी, 20 केजी इंटू 10,000 अपने जो कटिंग्स है जो जिए हुए है, तो उसका वजन 200 टन प्रति कटिंग जाता है, 200 इंटू 4 कटिंग 800 टन पर एकड़ पर ईयर, यहाँ तक अभी ये नर्सरी का काउंट जा रहा है। और इसमें ये 800 टन का छोड़ दो, अपने किसानों को अगर इसका 200 टन भी आ गया तो 200 टन के 2 लाख रुपए हो गए, और 2 लाख में से 50,000 मैक्सिमम हो गया, 50,000 का खर्चा हो गया, 1.5 लाख रुपए एक एकड़ को किसान को रह सकते हैं। और ये कोई डेट बहुत ही सीधा और सिंपल क्रॉप है, इसमें लेबर ज़्यादा नहीं लगता है, इसमें फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसको नेचर का कोई बड़ा डेंजर यानी क्या हानि नहीं पहुंचती है। इसके लिए ये नेपियर लगाना अभी शेतकरी के किसानों के लिए एक पर्यायी क्रॉप आ गया है, इसके साथ अगर हम जुड़े तो इसमें अपने भारत के सभी शेतकरी सुखी होने का एक बहुत सीधा मार्ग अपने MCL के सर्वे सर्वा डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलभ सर और उनके टीम ने ये बहुत अच्छी उपलब्धि भारतीय किसानों के लिए लाई है, इसके लिए हम उनके सदस्या ऋणी है। अभी ये MCL के लिए आगे चल के सुपर नेपियर के नर्सरी की जरूरत पड़ेगी, ऐसा हमको लगा, इसके लिए हमने 20 एकड़ पे सुपर नेपियर की नर्सरी तैयार की, और उसका जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम है वो 1 सितंबर 2021 को हमारे प्राइम BDA MCL के प्राइम BDA कार्तिक रावल सर और दूसरे प्राइम BDA सचिन धरने सर
और हमारे रमेश पाटिल सर सीनियर पीडीए इनके शुभ हस्तों से किया था। उसके इस कार्यक्रम के लिए हमारे कोई मान्यवर मित्र निखिल जी डोकरे साहब एमपीओ इंदापुर, गणेश वागमोड़े साहब एमपीओ करमाड़ा, देवीदास वागमोड़े साहब एमपीओ माड़ा, ये सभी मान्यवर उपस्थित थे। उनके उपस्थिति में ये कार्यक्रम हमने कर दिया। उसके बाद इसके कोई ये वीडियो निकाले, वो वीडियो देख के सुन के बहुत से हमारे मित्रों ने एमपीओ मित्रों ने हमारे नर्सरी को विजिट दिए। उसमें से कई नाम मैं लेना चाहता हूँ। एमपीओ निफाड़ के उत्तम नागरे सर, एमपीओ यावला के दीपक पाटिल सर, बेलगांव जिले के सभी एमपीओ, एमपीओ अंकलाव के गुजरात के परेश पटेल सर, हुमनाबाद एमपीओ हुमनाबाद के सुनील पाटिल सर, एमपीओ मुखेड़ के प्रहलाद बोड़के सर और प्रकाश भाई बदानिया राजकोट गुजरात, एमपीओ चाकुर के काले सर और कई एमपीओ ओनर्स ने हमारे नर्सरी का वीडियो देख के हमसे कटिंग मंगवा के प्लांटेशन कर दिया और उन्होंने हमारे नेपियर का प्लांटेशन अच्छा है इसके लिए उन्होंने अभिप्राय भी दिया है। उसके बाद हमारे एक परम मित्र है गोंदिया के महेंद्र ठाकुर सर, ये बहुत व्यक्तिमत्व है। इन्होंने हमारा जब ये नर्सरी का प्लांटेशन का जो मटेरियल था वो अभी तैयार नहीं होता, उस समय उन्होंने हमको फोन कर दिया और बोले कि हमको नर्सरी का मटेरियल चाहिए। हमने बोला सर एक दो महीने लगता है, वो मैच्योर नहीं हुआ है, दो महीने के बाद हम दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वो मंगाए और अपने खेत में लगाए। उसके दो महीने बाद हमारा वो मटेरियल तैयार हो गया और हमने उनको फोन कर दिया, सर हमारा मटेरियल तैयार हो गया। उन्होंने दो बार वो लेके उसी यूनिवर्सिटी के प्लॉट के बाजू में ही हमारा प्लॉट लगाया, हमारा नीपीर लगाया और उन्होंने एक दो महीने के बाद उसका एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट करके एक वीडियो बना दिया और वो वीडियो में उन्होंने बता दिया कि ये अच्छी फसल देने वाला क्रॉप है और 650 टू 700 टन ये हमको दे सकता है, ऐसा उन्होंने विश्वास व्यक्त कर दिया और उन्होंने हमको शुभेच्छा दे दी। उनमें से कुछ नाम है जो हमारे एमपीओ है, कुछ एमपीओ ने जिन्होंने ले लिया हमारे पास से, उनके नाम है एमपीओ बदामी के किरण कट्टीमणि, एमपीओ एरंडल के सुनील जैन, एमपीओ इंदौर के आकाश चंदा, एमपीओ भुवनेश्वर के उत्तम मलिक, एमपीओ सावंतवाड़ी के सागर संगेलकर, एमपीओ गढ़ हिंगलज के शशिकांत भोजे, एमपीओ कमलेश्वर के मनोज महाजन, ये सभी लोगों ने हमारे पास से वो कटिंग्स ले लिए और अभी उनका अभिप्राय भी अच्छा है। तो इसके वास्ते हम अभी नेपियर के बारे में अभी ये हमें अभी जानकारी हमको मिली है। हमारा एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी आए हमारे नर्सरी को विजिट दे और आपके पास जो कोई इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस करके हमें भी उनका कुछ फायदा होगा, उनको भी हमारे पास से इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अपने एमपीओ के हर तालुका में ऐसा 700 टन देने वाला प्लॉट हमें तैयार करने का ये हमारा सपना है। और हम 700 टन पे भी रुकने वाले नहीं है, हमारा जो ये उत्पादन है ये उत्पादन 1000 टन तक लेने का हमारा आगे का टारगेट है। और दोस्तों मैं अभी ये जो किसान की सेवा करने का जो हमें मौका मिला है ये बहुत पुराना है। यानी मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब मेरा स्कूल भी शेतकी बेसिक मराठी मुलांची शाळा, इसमें पढ़ा हूँ मैं। उसके बाद मैं हाई स्कूल में आया, वो हाई स्कूल भी हमारा जवाहरलाल शेतकी हाई स्कूल था। उसके बाद मैं कॉलेज में गया, उसका भी कृषि महाविद्यालय पुणे ऐसा कॉलेज था। उसके बाद मैं कृषि खाते में आ गया, कृषि खाते में सर्विस करके 33 ईयर सर्विस करके बाद में मैं फिर शेतकरी की सेवा के लिए इस एमसीएल में जुड़ा हूँ। ये एमसीएल एक मेरे को इतना बड़ा स्टेज मिल गया है
कि इसमें आके मैं बहुत कुछ किसानों के लिए बहुत कुछ करने का मेरा इरादा है। अभी ये जो सुपर नेपियर की नर्सरी, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे जाके हम किसानों के लिए बहुत बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं। इसकी सेवा करने के लिए हम अभी हमारा जो अभी जीवन रह गया है, वो सारा जीवन हम MCL के साथ एक निष्ठ बन के किसानों के लिए जो जो कुछ भी करना है उसके लिए हम समर्पित करेंगे। और इतना बोल के हमें MCL ने हमको जो अभी ये संधि दी, इस संधि के लिए हम MCL के मैनेजमेंट के बहुत आभारी है। और इसमें हम जाते जाते एक मराठी का हमारा शेर सुना के जाएंगे। आपला विठ्ठल भारी, आपला सुपर नेपियर भारी, खर तर आपलं MCL सगळ्या जगात भारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र अँड जय MCL। येस, थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच पोंडुभरी साहेब, अँड वी रिअली अप्रिशिएट युअर एफर्ट।